लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व एड्स दिवस के मौके पर कॉलेज के बच्चों ने रैली निकाली और एचआईवी से बचाव के तरीकों पर प्रकाश डाला। विश्व एड्स दिवस के मौके पर रविंद्र भवन में एक संवाद कार्यक्रम रखा गया, जिसमें ये बताया गया कि एचआईवी किस कारण से होता है और इससे बचाव क्या है। एड्स नियंत्रण समिति की संयुक्त संचालक कविता ठाकुर ने बताया कि पूरे प्रदेश में एड्स पखवाड़ा चलाया जा रहा है, अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं पर मानव श्रृंखला जागरूकता रैली, मैराथन दौड़, बाइक रैली का कार्यक्रम किया जा रहा है। रविंद्र भवन में एक संवाद का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि एचआईवी से किस प्रकार बचा जा सकता है और इसकी रोकथाम के क्या क्या उपाय हैं। आज विश्व एड्स दिवस के अवसर पर न केवल भोपाल में, राजधानी में, बल्कि पूरे प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। पूरे राज्य में विश्व एड्स दिवस पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आज बहुत सारी गतिविधियां हुई हैं। कुछ जगह कल भी लोगों ने शाम को कैंडल मार्च किए हैं और कैंडल विजिल्स वगैरह एक्टिविटी आयोजित हुई हैं। आज जगह जगह पे मैराथन हो रहा है, कहीं क्रिकेट है, कहीं बाइक रैली है। यहाँ हमने रैली का आयोजन किया, मानव श्रृंखला बनाई है और अभी यहाँ पर हम एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती सुरभि गुप्ता मैडम हैं, जो परियोजना संचालक हैं मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति की। इसके अलावा NSS की तरफ से डॉक्टर RK विजय सर हैं और काफ़ी वरिष्ठ अधिकारीगण हैं यहाँ पे। इस बार की जो हमारी थीम है, लेट कम्युनिटीज़ लीड, तो हमने समुदाय की भागीदारी तय करते हुए कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिसमें हमने औद्योगिक इकाइयों के साथ भी कार्यक्रम किए हैं। टोल नाकों पे भी जगह जगह पे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है, ट्रक ड्राइवर्स के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, अलग अलग वर्ग को ध्यान में रखते हुए। साथ ही समुदाय के जो एड्स प्रोग्राम के दृष्टि से उच्च जोखिम समूह हैं, जैसे फीमेल सेक्स वर्कर हैं, मैन हैविंग सेक्स विथ मैन हैं, इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट भी हम लोगों ने किया है। तो सोशल मीडिया पे भी कैंपेन्स चल रहे हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी हो रही हैं, व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक दिन तो विशेष है, ये निरंतर चलने वाली एड्स नियंत्रण समिति के माध्यम से जो प्रचार प्रसार गतिविधियां हैं वो निरंतर संचालित हो रही हैं। ये चूंकि दिवस विशेष है, इसलिए अभियान के तौर पर व्यापक स्तर पर हो रही हैं, जिसमें सबको एकदम से दिखाई दे रहा है, बट सतत रूप से हमारी सारी गतिविधियाँ संचालित होती रहती हैं, जिसमें ये समुदायों की भागीदारी से परियोजनाएँ भी चल रही हैं। रेड रिबन क्लब है, जिसमें 700 महाविद्यालयों में साल भर गतिविधियां आयोजित होती हैं, NSS द्वारा की जा रही हैं, NCC है या नेहरू युवा केंद्र है, सबका इन्वॉल्वमेंट करते हुए ये निरंतर गतिविधियां की जाती हैं। वर्ल्ड एड्स डे पे मैं यहाँ के बच्चों को जय नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से एज अ कार्यक्रम अधिकारी लेके आया हूँ, जो मेनली ये जागरूकता कार्यक्रम है, जिसमें चरणबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम को पहले कॉलेज स्तर पर आयोजित किया गया, जिसमें फेस पेंटिंग, स्लोगन, पोस्टर मेकिंग और इनके जो विनर्स थे उनको लेके और करीब 10 से 15 मिनिमम स्वयं सेवकों को लेके हम यहाँ उपस्थित हुए। और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये जो आयोजन है, इसमें जो बच्चे भाग ले रहे हैं वो आगे आने वाले NSS के शिविरों में, जो हम डिफरेंट स्लम्स एरिया में, गाँव में आयोजित करते हैं, वहाँ इस जागरूकता से जो सीख रहे हैं उसको वहाँ पर वो ले जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।